गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो एक चैप्टर ही है। चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी विच इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह। बट इन इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी बेटा, आपकी क्लास प्लस वन में देर आर टू बुक्स। द नेम ऑफ फर्स्ट वन इज़ स्नैपशॉट एंड सेकेंड वन इज़ हॉर्नबिल। दो बुक्स है बेटा, एक हॉर्नबिल है और एक है स्नैपशॉट। क्लियर? टू बुक्स हैं आपकी। फर्स्ट बुक का नेम है हॉर्नबिल और सेकंड बुक का नेम है स्नैपशॉट। ओके, और जो ये वाला चैप्टर है वो है हॉर्नबिल से। ये हॉर्नबिल से ही लिया गया है, हॉर्नबिल का ही वेरी फर्स्ट चैप्टर है। एंड द नेम ऑफ अ चैप्टर इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और लिखा किसने है? खुशवंत सिंह ने लिखा है। खुशवंत सिंह एक इंडियन राइटर है, एज वेल एज ही इज़ अ फेमस नॉवलिस्ट। और जो इस चैप्टर है, चैप्टर के अगर आप हेडिंग को ध्यान से पढ़ेंगे तो इस हेडिंग में साफ साफ लिखा है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। दैट मीन्स इस चैप्टर के अंदर एक लेडी के बारे में बताया जा रहा है, एक वुमेन के बारे में बताया जा रहा है। साइड बाय साइड पोर्ट्रेट का मतलब होता है पिक्चर, फोटो, उसके बारे में जिक्र किया गया। एक्चुअल में इस चैप्टर की अगर लाइन टू लाइन अगर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके बेटा कॉम्प्रिहेंशन आते हैं एग्जाम्स में, और ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि समरी ना पढ़कर सिर्फ उस चैप्टर की हमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की जाए, ताकि इजीली हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन उसका स्पीकर है या नरेटर है, या किससे बात हो रही है, किनके बीच में कॉन्वर्सेशन है। क्लियर? अब जो चैप्टर की जो स्टोरी है, जो मेन आइडिया है, वो जो है मेनली एक ग्रैंड मदर है और साथ में एक बच्चे के बारे में बात की गई। एक्चुअल में जो इसका ऑथर है ना, खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह अपनी ही लाइफ के बारे में, अपनी ही लाइफ में जो उनका दादी के साथ रिलेशन रहा है, जैसे उनकी दादी के साथ उनकी बॉन्डिंग रही थी, उसी के बारे में वो इसके अंदर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। मीन्स क्या हुआ, इस चैप्टर में हम पाएंगे, क्या पढ़ेंगे कि खुशवंत सिंह अपनी ही फीलिंग्स को इन वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। वो ये बताना चाह रहा है कि खुशवंत सिंह या मेरी खुद की दादी के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग रही है, किस तरीके की बॉन्डिंग थी, स्ट्रांग बॉन्डिंग रही थी, और किस तरीके से दादी उसका एक एक काम किया करती थी। तो मीन्स क्या है, यहाँ पर लेडी किसके लिए यूज़ हुआ है? खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर के लिए। और जो स्टोरी का नरेटर है वो खुद खुशवंत सिंह है। तो जहाँ पर भी आप आई, आपको मिलेगा आई मी या माई, दीज ऑल द थ्री वर्ड्स आर यूज्ड फॉर अ खुशवंत सिंह। ओके, ये तीनों के तीनों जो वर्ड्स हैं, प्रोनाउन जो हैं, ये किसके लिए यूज़ हुए हैं? खुशवंत सिंह के लिए यूज़ हुए हैं। क्लियर? अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन जो हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग ही किससे हुई है? माय ग्रैंड मदर। लुक ऑन द स्क्रीन। माय ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन। अब वो खुशवंत सिंह क्या कहना चाह रहे हैं? खुशवंत सिंह ये कहना चाहते हैं कि जो मेरी दादी माँ है ना, वो बाकी सारी जितनी भी सबकी दादी होते हैं उनकी तरह ही, वैसे ही ओल्ड वुमेन है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। वो बूढ़ी है और वो उसका चेहरा, मतलब जो रिंकल्ड है, फेस पे रिंकल्स हैं, झुर्रिया है, फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नॉन हर। मीन्स कि 20 सालों से, मतलब मैं उसको जब से जानने लगा हूँ, जान रहा हूँ, जब से मैंने उसको अपनी दादी को देखा है, 20 साल हो गए हैं इस बात को, और तब से मैं अपनी दादी को क्या पा रहा हूँ, क्या देख पा रहा हूँ कि वो ओल्ड है, प्लस वो उनका फेस जो है रिंकल से भरा हुआ है। पीपल सेड दैट, लोग कहा करते थे क्या, शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। अब यहाँ पर लोगों के बारे में कहा गया है कि लोगों का ये व्यू रहता था कि जो मेरी दादी है ना, वो एक बार, मतलब एक टाइम में जवान भी रही है और प्रिटी भी
रही थी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड भी था, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. पर रियलिटी तो ये है कि इन सब पर विश्वास करना असंभव सा लगता है. एक्चुअलिटी क्या है बेटा, इस चैप्टर की वेरी स्टार्टिंग ना हमें काफ़ी रिवोल्टिंग और कॉन्ट्रेरी व्यूज देखने को मिलेंगे, अपोजिट व्यूज देखने को मिलते हैं. कि एक तरफ तो खुशवंत सिंह खुद कहता है कि 20 सालों से जब से मैंने अपना होश संभाला है या जब से अपनी दादी को देख रहा हूँ, इस बात को 20 ईयर्स हो गए हैं, और उन 20 ईयर्स में मैंने अपनी दादी को ओल्ड और उसका जो फेस है फुल ऑफ रिंकल्स ही पाया है. और लोगों का तो ये कहना था कि वो एक बार यंग और प्रिटी भी रही थी. अगर यंग और प्रिटी रही थी तो कॉन्ट्रेरी या रिवॉल्टिंग व्यू ये आ गया कि बड़ा मुश्किल लगता है कि वो तो ओल्ड भी थी, 20 सालों से उसका फेस रिंकल से भरा हुआ था, तो बड़ा मुश्किल सा लगता था कि फेस जो है रिंकल से भरा हुआ है, बड़ी ही ओल्ड वुमेन है, कि उसका एक हस्बैंड भी है. विश्वास करना बड़ा असंभव सा लगता था. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. माई ग्रैंड फादर, अब जो यहाँ पर बात की गई है वो ग्रैंड फादर की बात की गई है. अब यहाँ पे खुशवंत सिंह अपने दादाजी के लिए कहता है क्या, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट के लिए मैंने बार बार कहा है पिक्चर कहा जाता है, जो पिक्चर हम वॉल पर दीवार पर हैंग नहीं कर देते हैं, फोटोज लगाते हैं, उसके लिए बोला गया है. हंग लगाना मतलब दीवार पर लटकाना. अबव द मेंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम, अब उसके ग्रैंडफादर की पिक्चर कहाँ लगी हुई है, अबव द मेंटल पीस. मेंटल पीस होता है बेटा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा फायरप्लेस होते हैं रूम्स में लगे हुए, अंगीठी एक तरह से, उसके ऊपर जो स्पेस बना होता है ना, एक मतलब इतना सपोर्ट सा होता है जहाँ पे हम फोटोज रख सकते हैं, उसको कहा गया. और वो कहाँ है, इन द ड्रॉइंग रूम ही वोर. अब यहाँ पर उनके दादाजी के बारे में ही कह रहे हैं. वोर का मतलब होता है वियर से बना है बेटा, पहना हुआ है, डाला हुआ है. क्या ही वोर अ बिग टर्बन, टर्बन होता है पगड़ी. टर्बन क्या होता है बेटा, पगड़ी. इन वर्ड्स को ध्यान रखना, पगड़ी टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, सॉरी. और उनके कपड़े जो है बड़े ही लूज है, ढीले डाले से है. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, बियर्ड होता है दाढ़ी. बियर्ड का मीन्स क्या होता है, दाढ़ी. ठीक है, लंबी और सफेद दाढ़ी जो है कवर्ड, ढका हुआ है, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. चेस्ट का मतलब है काफी नीचे तक आ रही है उसकी दाढ़ी. ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड. और उसके दादाजी को देखकर ऐसा लगता है कि वो 100 साल, मतलब उनकी उम्र 100 साल तक आराम से होगी, वो इतने बूढ़े दिखाई देते हैं. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ. अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ए का मीन्स होता है एक, मतलब वो खुद कह रहा है खुशवंत सिंह कि ही डिड नॉट लुक, यहाँ पे कहते हैं कि मेरे जो दादाजी हैं वैसे नहीं दिखते. किस तरीके के, ऐसा इंसान, द सॉर्ट ऑफ पर्सन, इस तरीके का इंसान, हु वुड हैव अ वाइफ, जिसकी एक बीवी हो और चिल्ड्रन हो, मतलब. एंड ही लुक्ड एज, बल्कि वो तो ऐसे दिखते हैं, इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. कि ऐसे देख के लगता है कि उनके तो बहुत सारे पोते पोतियां होंगे, इतने बूढ़े दिखाई देते हैं, बल्कि ये नहीं लगता उनको देखकर कि उनकी बीवी है सिर्फ और बच्चे हैं. मींस यहाँ पे जनरेशन की बात कही गई है कि उनकी फोटो को देख के ऐसा लगता है कि वो इतने बूढ़े हैं कि आगे उनके नाती पोते होंगे, बट ये देख के नहीं लगता कि उनकी सिर्फ एक वाइफ या वाइफ और सिर्फ बच्चे ही हैं. देख के ऐसा लगता है कि वो दादा दादी वाली कैटेगरी में आ गए हैं, बट ऐसा नहीं है उनकी फोटो को देखकर. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव, सॉरी हो चुका है ये तो. एज फॉर माई ग्रैंड मदर, पर अगर मेरी दादी की बात आए, बींग यंग एंड प्रिटी, एक जवान और प्रिटी होने के नाते, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. तो ये विचार अगर मैं सोचूं कि वो एक बार यंग और प्रिटी रहे हैं, तो ये जो मेरा विचार है वो कंप्लीट या ऑलमोस्ट क्या है, रिवोल्टिंग है, मतलब तो विद्रोही है. इजिली डाइजेस्ट नहीं हो रही ये बात कि मेरी दादी जो है, खुशवंत सिंह की जो दादी है, वो एक बार यंग और प्रिटी भी
रही हैं। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। ऑफन होता है बेटा कई बार, अधिकतर, वो तो कई बार जो है ना हमें उन गेम्स के बारे में भी बताया करती थी। शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जिस जैसे कि बच्चा, जब वो खुद बच्ची रही है तो वो खेला करती थी वो खेल। दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड। एब्जर्ड होता है स्ट्रेंज, मतलब अटपटा सा लगना। एब्जर्ड होता है स्ट्रेंज। कहते ये सब कुछ सुनकर या देखना बड़ा अटपटा सा लगता था, अजीब लगता था और अनडिग्निफाइड लगता था। मतलब वही उसी फॉर्म में आ रहा है, अजीब अटपटा सा, मतलब इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ऑन हर पार्ट, अगर उस उनकी तरफ से देखा जाए तो, अब उनकी दादी की तरफ से, कि वो एक बार कभी खेलती भी थी छोटे बच्चों की तरह जैसे गेम्स। वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स। बल्कि हम सब बच्चे तो, या मैं खुद, हम उन जब मेरी दादी जो है मुझे ये बताया करती थी कि हम छोटे होते, जब मैं छोटी थी तो ये गेम्स खेलती थी, तो हम उन चीज़ों को ऐसे लेते थे कि जैसे कि वो जो दादी है। फेबल्स, फेबल्स होता है कहानियाँ। फेबल्स का मतलब क्या होता है? कहानी। फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, जैसे कि वो कहानी सुना रही हो मसीहा की, गॉड की। प्रोफेट्स होता है मसीहा। ओके, शी यूज टू टेल अस, जो हमें वो बताया करती थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट कर रही हूं मैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, मतलब वो छोटे कद की थी। फैट का मतलब होता है मोटी, एंड स्लाइटली बेंट, स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा झुकी हुई थी। बेंट का मतलब क्या होता है? झुकना। बेंट का मतलब क्या होता है? झुकना। ओके, इसके अलावा बेटा जो मीनिंग ना समझ में आए आप मुझे अपनी क्वेरीज ले सकते हैं, बता दीजिएगा। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और जो उसका चेहरा था ना वो भरा हुआ था, वॉज अ क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस का मतलब जैसे लाइनें पड़ी हुई थी उसके चेहरे पर, एक तरह से किस चीज की? झुर्रियों की, जो उसके कंप्लीट चेहरे पर दिखाई देती थी। मतलब वो बहुत ज्यादा ओल्ड लग रही थी। नो वी वर सर्टेन, नहीं हमें, हम बिल्कुल निश्चित है, हमें पूरा पक्का विश्वास है। किस चीज को? सर्टेन का मतलब होता है निश्चित होना, मतलब हमें पूरा भरोसा है, पता है, श्योर है हम इस बात को लेके। किस चीज को लेके? शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। एक सेकेंड। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर। कहते कि जब से मैं जानता हूं, उसको देखा है, इस बात को लेके ना मैं पूरा श्योर हूं कि वो काफी बूढ़े रहे हैं, काफी ओल्ड रहे हैं, उनका फेस झुर्रियों से भरा रहा है। नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी बड़ी ही भयानक, डरावने तरीके से बूढ़ी। टेरिबली का मतलब होता है भयानक। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी कि ऐसा लगता था इससे ज्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती। वो इतनी एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और उस उम्र में, उस अवस्था में से गुजरते हुए, रहते हुए उसको 20 साल हो गए थे दादी को। शी कुड नेवर, यस, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी प्रिटी नहीं दिखी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। यस स्टूडेंट्स, ये इन लाइन को, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या लिखा आया, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी प्रिटी नहीं दिखाई दी। नेवर हैव बीन प्रिटी, बट, लेकिन, शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, पर वो हमेशा ही सुंदर रही थी, हमेशा सुंदर रही थी। अब देखो लाइन को पढ़कर तो हमें ये समझ में आ रहा है कि एक तरफ ये कहा गया कि वो कभी प्रीति तो दिखी नहीं,
दूसरी तरफ उसकी प्रेज कर दी कि वो तो हमेशा से ही ब्यूटीफुल रही है। एक्चुअलिटी में अगर इन दोनों वर्ड्स को मैं आइडेंटिफाई अच्छे से करवाऊँ, आप बच्चों को अच्छे से पहचान करवाऊँ, तो होता क्या है बेटा, ब्यूटीफुल का मतलब हम ये कहते हैं जो अगर हम किसी की इनर ब्यूटी की प्रेज करते हैं ना, तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ब्यूटीफुल। अगर हम आउटर ब्यूटी के बारे में कोई किसी को बता रहे हैं तो वो आता है प्रिटी। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह ये कहना चाह रहे हैं अगर मैं आउटर ब्यूटी को देखूँ तो दैट मीन्स वो प्रिटी नहीं थी, बट अगर मैं उसकी इनर ब्यूटी को देखूँ कि जिस तरीके से वो बिना निस्वार्थ सेवा से अपने पोते की वो मतलब हेल्प करती थी, तो उस हिसाब से वो क्या कहना चाहता है कि उसकी जो दादी है हमेशा ब्यूटीफुल रही थी। शी होबल्ड, होबल्ड का मतलब होता है लड़खड़ाना, होबल्ड का मीन्स क्या होता है, लड़खड़ाना। शी होबल्ड अबाउट द हाउस, अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। अब ये लाइन थोड़ा सा ध्यान से देखना, वह लड़खड़ाती थी अबाउट द हाउस अपने घर में इन स्पॉटलेस, स्पॉटलेस होता है बिना दाग धब्बे के, वाइट, वाइट मतलब यहाँ पर उनके कपड़ों के बारे में बताया गया है कि वो वाइट कलर के कपड़े पहनती थी जिसपे कोई और कलर या दाग धब्बा नहीं होता था। स्पॉटलेस का मतलब कह सकते हैं कि कोई और कलर नहीं होता था, इस तरीके से आप बात ले सकते हैं इस चीज को। विद वन हैंड, जहाँ पर उसका एक हाथ कहाँ होता था, रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है कमर, एक हाथ कहाँ होता था, कमर पर, कमर, ठीक है, किस लिए कमर पर होता था, टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप का मतलब होता है कि वो झुककर जो चलती थी ना, उस झुकाव को बैलेंस करने के लिए एक हाथ वो कमर पे रखती थी। एंड द अदर, और जबकि जो दूसरा हैंड था वो क्या करता था, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। अब यहाँ पर आपको नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, आपने देखा होगा जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं कई बार कंटिन्यूसली अपने हाथ में माला रखते हैं और उसको फेरते रहते हैं और भगवान नाम का जप, भगवान का नाम जपते रहते हैं। इन द सेम वे जो उसकी ग्रैंड मदर रही है, रही थी, वो क्या करते थे, टेलिंग द बीड्स, बीड्स होता है वो मन का, ऑफ हर रोजरी, उसके माले, माला के जितने मन के हैं ना, वो उनको वो जपती रहती थी, टेल करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स का मतलब क्या होता है बेटा, लॉक्स का मतलब होता है जब बाल बाहर निकले होते हैं, या उनको हम कहते हैं लॉक्स, या लट वर्ड एक्चुअल में हम कई बार यूज़ कर लेते हैं इसके लिए। हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर यूज़ हुआ है कि उसके जो वाइट हेयर थे, उसके जो वाइट लॉक्स थे, वर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरना, बिखरना, उसके जो बाल थे वो बिखरे हुए थे, अनटाइडली, अनटाइडली का मतलब होता है मिसमैनेज तरीके से, ढंग से नहीं बिखरे हुए थे, कहाँ पर, ओवर हर पेल, पेल का मतलब होता है पीला, एंड पकड़ फेस, पकड़ का मतलब होता है फुल ऑफ रिंकल्स, झुर्रियों से भरा हुआ उसका चेहरा, एंड हर लिप्स, और उसके जो लिप्स जो है, होठ जो है, कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इन ऑडिबल प्रेयर्स, और जो उसके लिप्स हैं, उसके जो होठ है, लगातार हिल रहे थे, मूव कर रहे थे, उसके जो लिप्स जो हैं लगातार हिल मूव कर रहे थे, किस चीज़ के लिए, इन इनऑडिबल प्रेयर, ऐसे प्रेयर के लिए उसके होठ हिल रहे थे जो हमें सुनाई नहीं दे रही थी। अगर बेटा यहाँ पर सिर्फ ऑडिबल आता, ऑडिबल का मतलब होता है सुनना, और जब भी कोई किसी वर्ड के आगे इन लग जाता है तो उस चीज़ का वो बन जाती है नेगेटिव फॉर्म, दैट मीन्स नहीं सुनना। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो कैसी दिखती थी, सर्दियों में जैसा व्यू होता है ना प्रकृति का, वैसा दिखती थी, कहाँ पर, इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर, जहाँ पर क्या होता था, एन एक्सपेंस, एक्सपेंस होता है फैलाव, एक तरह से स्प्रेड होना किसी चीज का, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी, प्योरनेस का, पवित्रता का, जो श्वेत है, शांतिपूर्ण है, सेरेनिटी का मतलब भी आप यही ले सकते हो, कामनेस, इन सब चीज़ों के लिए।
ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो सांस लेती है शांति की और संतुष्टि की। कंटेंटमेंट होता है संतुष्टि। ओके, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं हम अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे माँ बाप जो है मुझे छोड़ गए। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना। कहाँ? विद हर, उसके साथ, उसके पास। वेन दे, जब। वेन का मतलब क्या होता है? जब। वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो दोनों गए शहर में रहने के लिए। वी वर कॉन्स्टेंटली, हम लगातार, कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम लगातार इकट्ठे ही रहते थे। शी यूज टू वेक मी, वेक का मतलब होता है जगाना। वेक का मतलब क्या होता है बेटा? जगाना। और आप लोगों को ग्रामर में मेरे ये चीज करवाई भी थी कि यूज टू का मतलब होता है किया करना, कोई पास्ट हैबिट के लिए कहते हैं। तो ये पास्ट मतलब हो चुकी है ये उसके साथ ये बात। तो वो वही बात कह रहा है खुशवंत से कि वो मुझे उठाती थी अप इन द मॉर्निंग सुबह एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथ्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होम। वो क्या करती थी? शी सेड हर, वो सुबह की प्रेयर प्रार्थना बोला करती थी इन अ मोनोटोनस। मोनोटोनस होता है बड़ी ही थकावट या बड़े ही सैड वे में, उदासी सिंग सोन, मतलब एनर्जेटिक नहीं लगता था, नॉट एनर्जेटिक। सही मैं ये बात, ये वर्ड यूज कर लूंगी यहां पर। मतलब मोनोटोनस होता है जिसको मतलब थकाने वाला कोई टास्क हो जाए या कोई ऐसी एक्टिविटी। सिंग सॉन्ग होता था वाइल, जब। कब करती थी वो? शी बाथ, जब वो बाथ लेती थी, नहाती थी। एंड ड्रेस्ड मी, और जब वो मुझे तैयार करती थी। किस आशा से? इन द होप। होप का मतलब होता है आशा। इस आशा से दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं उसको सुनूंगा और दिल से उसको समझूंगा। आई लिसन, मैं सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, पर कभी इस चीज़ की टेंशन नहीं ली कि मैं उसको याद भी करूं। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। फेच का मतलब होता है ढूंढ कर लाना। फेच का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज को लेकर आना, ढूंढ कर लेकर आना। ओके, और लेकर आना, लेकर आना। वो मेरी वुडन तख्ती लेकर आती थी विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वो धोकर रखती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और पीले रंग के जो चौक से उसको प्लास्टर करती थी, लेप लगाती थी। एंड अ टाइनी, टाइनी का मतलब होता है छोटा। टाइनी का मीन्स क्या होता है? छोटा। अर्थन इंक पोट, अर्थन का मतलब होता है मिट्टी का पोट होता था जिसमें स्याही भरी होती थी। एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन होता था। टाई देम ऑल इन अ बंडल, ये सारा सामान मुझे एक गंडड़ी में, बंडल में बांध कर वो मुझे देती थी। हैंड इट टू मी, और मुझे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, और नाश्ते के बाद। एक सेकेंड, और नाश्ते के बाद क्या होता था? ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, और नाश्ता किस चीज का था? थिक एंड स्टेल चपाती। स्टेल का मतलब होता है बासी। स्टेल का मीन्स है बासी। थिक का मतलब होता है मोटी मोटी। स्टेल चपाती, मोटी मोटी और बासी रोटी के विद, और उस पर क्या लगा कर देती थी? विद अ लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल, वो खाकर हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, और वो अपने साथ काफी बासी रोटियां भी लेके चलती थी। विद हर, क्यों? फॉर द विलेज डॉग, गांव के डॉग्स के लिए। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल किससे जुड़ा हुआ था? किसके साथ था? मंदिर के साथ। द प्रीस्ट, प्रीस्ट होता है पंडित, टॉट अस द अल्फाबेट्स,
पहले के टाइम में जैसे गुरु गुरु हुआ करते थे, आपने देखा भी होगा, इसी तरीके से टीचर के लिए भी प्रिस्ट वर्ड यूज करते थे। टॉट अस द अल्फाबेट्स, हमें अल्फाबेट सिखाते थे, सुबह की प्रेयर मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन इधर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस एंड माई ग्रैंड। वाइल का मतलब होता है, यहां पर मतलब आया जब। अब ध्यान से सुनिएगा, वाइल का मतलब यहां पर क्या आ रहा है, जब देखो, वाइल द चिल्ड्रन सेट, सेट का मतलब होता है बैठना, जब बच्चे बैठे होते थे इन रोज, रोज का मतलब लाइन में, ऑन इधर साइड, इधर का मतलब होता है दोनों तरफ, किसके दोनों तरफ, ऑफ द वरांडा, वरांडा के दोनों तरफ, सिंगिंग द अल्फाबेट्स, जब बच्चे दोनों साइड बैठ के अल्फाबेट्स को जोर जोर से बोलते थे, और द प्रेयर, और क्या बोलते थे, प्रार्थना को बोलते थे इन अ कोरस। कोरस का मतलब होता है जब सब लय में, जब सब रिदम में एक साथ बोलते हैं ना बेटा, तो उसको बोला जाता है कोरस। इट्स नॉट अ चौरस, च सी एच को च नहीं कहोगे, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन है कॉरस। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड, मेरी माँ जो है अंदर बैठा करती थी, ओ सॉरी दादी माँ अंदर बैठती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर्स होता है धार्मिक ग्रंथ। स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं बेटा, धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी जब हम अल्फाबेट सीख रहे होते थे। When we had both finished, जब हम दोनों के दोनों इसको फिनिश कर देते थे, we would walk back together, हम दोनों के दोनों वापस घर चुप की तरफ चलते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, इस वक्त क्या होता था, गांव के जो कुत्ते हैं हमें फिर से दिखाई देते थे मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस, फॉलोड का मतलब होता है पीछे पीछे आना, वो पीछे पीछे आते थे टू आर होम, हमारे घर तक, ग्रोलिंग, वो गुर्रा चिल्लाना करते थे, अब बार्क करते थे, और एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे से वो लड़ते थे, क्यों, फॉर द चपातीस वी थ्रू टू दैम, किसके लिए लड़ते थे, उन चपातीस के लिए जो दादी ने या हमने जो है उनकी तरफ रोटी डाली थी, उनके लिए वो सारे के सारे डॉग्स आपस में लड़ते थे। आई थिंक एक बार आज के लिए इतना ही सफिशेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा बेटा, और जो डाउट्स हो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।